हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त इमरान शेख, आपका स्वागत है अली ब्रदर्स चैनल पे। आज हम जानने वाले पैसों से पैसा कैसा कमाएं, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके करियर में, आपके फ्यूचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बचपन से जैसे बड़े हो रहे हो तो सब आपको सिखाते हैं कि आप पैसे कैसे सेव करना चाहिए, आपको पेमेंट कितना चाहिए, सैलरी कितनी चाहिए, कितना महीने का कमाना चाहिए, कितना पैसा कमाओगे तो आपके नीड्स कंप्लीट होंगी, ये सब बातें आपको बचपन से सिखाते हैं। लेकिन वो जो पैसा आप कमा रहे हो वो आप कैसे बचाओ, कैसे इन्वेस्ट करो और उन पैसों को वापस कैसा पैसा बनाओ, यानी कि आप अपने कमाए हुए पैसे को और कैसे बढ़ाए, ये आपको कोई नहीं सिखाता। आपको सब कुछ सिखाते हैं बस पैसा कमाना। तो वही आज का हमारा टॉपिक है कि पैसा कैसे कमाए और पैसा कैसे इन्वेस्ट करें। तो ये टॉपिक मैं बना रहा हूँ, एक ऐसे ही डिस्कशन हुआ था, मेरा दोस्त है एक अमोल, वो बता रहा था कि उसके पास बहुत सारा पैसा है, सेविंग अकाउंट पर पड़ा है। तो वही से मुझे ये वीडियो बनाने के लिए एक प्रेरणा मिली कि वो बंदा है जिसके पास 2 से 3 लाख रुपए या ज़्यादा जो अमाउंट उसके अकाउंट में पड़ी है, सेविंग अकाउंट में अगर आपके पास पैसे सेव हो तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का काम है। सेविंग अकाउंट में कभी भी पैसे सेव कर रहे हो तो उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको पता है क्या सेविंग अकाउंट पे कितना आपको परसेंटेज बेनिफिट मिलता है? तो सेविंग अकाउंट पे अगर आपकी कोई भी अमाउंट हो तो उस पर 3 से 3.5% अमाउंट आपको बेनिफिट मिलता है। अगर आप कुछ अमाउंट उसमें थोड़े दिन के लिए रखते हो सेविंग अकाउंट पे, बहुत सारे पैसे हो या कितना भी हो, बस आपको मिलने वाले 3 से 3.5% प्रॉफिट उसका। तो आपको पता है क्या इन्फ्लेक्शन रेट कितना है? नहीं पता ना? तो इन्फ्लेक्शन रेट है ना अभी के हिसाब से 6%। इन्फ्लेक्शन यानी कि क्या वो बता देता हूँ, महंगाई। इन्फ्लेक्शन यानी कि महंगाई। आज से 10 साल पहले जहाँ पर पेट्रोल कम से कम 50 रुपये होगा, वही आज के डेट में पेट्रोल चल रहा है 110 रुपये। तो ये जो बीच का गैप डिस्टेंस वो जो तैयार होता है ना उसे इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो ये कितना है इन्फ्लेक्शन? 6%। अगर आप आज की रेट में जो पैसा कमा रहे हो आगे जाकर 6% कम हो जाएगा अगर आप वैसी सेविंग अकाउंट में सेव करते रहोगे, तो उस अमाउंट से 6% कम आप कमा रहे हो, आपकी कमाई में घटत होती जाएंगी, तो वो अपना इन्फ्लेक्शन रेट है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि मैं सेविंग अकाउंट में इतने सारे पैसे रखे हैं। मैं बोला सबसे बड़ी गलती तो यही है कि तूने सेविंग अकाउंट में इतने से बेनिफिट के ऊपर, उसे पता भी नहीं था कि उसे उस पर इतना बेनिफिट है 3 से 3.5%, और वो अमाउंट उसने सेविंग अकाउंट पे ही सेव कर ली। उससे बेहतर है कि मैं आपको बताऊँगा कि उस जो सेविंग अकाउंट में आपका बैलेंस है उसे आपने FD में सेव करना चाहिए। FD पे आपको मिलता है 6 से 7% रिटर्न, गारंटेड रिटर्न है, ये आपको बेनिफिट देगा। अगर वो बंदे ने, मेरे दोस्त ने, ये सेविंग अकाउंट के अमाउंट अगर FD में कन्वर्ट की होती तो उनसे 6 से 7% बेनिफिट होता। सिंपल है, इतनी छोटी सी बात वो कर 6 से 7% बढ़ा सकता था अपना इनकम, वो और भी पैसे बढ़ा सकता था। लेकिन क्या मेन इशू क्या है कि हमें पता ही नहीं, हम जानना भी नहीं चाहते, हमें पता भी नहीं, हमें कुछ करना भी नहीं है, बस हमें पैसा चाहिए। बस यही आम आदमी की यही बात है कि उसे सब बाय डिफ़ॉल्ट चाहिए, मुझे आयता चाहिए बोलते हैं ना, मुझे डायरेक्टली पैसा आने दो। अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करोगे, प्रॉपरली मैनेज नहीं करोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। और ज़िंदगी भर वो जो बचपन से सिखाते आए ना पैसा कमाओ कमाओ कमाओ, उसी में आप अपनी लाइफ पूरी ख़त्म कर दोगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ, आप जान लीजिए कि इस चीज़ में आपको क्या क्या ध्यान देना है। तो आप पैसा कमा रहे हो तो उसमें से आप, अभी ये सिंपल थिंग है, सेविंग अकाउंट को FD में कन्वर्ट करना है, उससे आप बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा, डायरेक्टली डबल का बेनिफिट है। FD में 6 से 7% रिटर्न आपको इजीली मिल जाएगा। तो उसके बाद है ना, आपको क्या बोल रहा हूँ, इसमें से इस अमाउंट में से आप, अगर आपको लग रहा है ना जो अर्जेंट में लग रहा है उसकी 6 महीने की FD बनाओ, किसी की साल की बनाओ, किसी की 5 साल की बनाओ, तो FD में आपको फिक्स अमाउंट रिटर्न मिलनी चालू हो जाएंगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसमें से ही थोड़े थोड़े पैसे आपको सेव करने चाहिए, 1000 रुपये हो, 2000, 3000,
आप कितने भी पैसे सेव कर रहे हो, अगर आपको उसे सही तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो आपको बेस्ट रिटर्न मिलेगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आपने अपना पैसा कैसे इन्वेस्ट किया है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमने पॉलिसी खोली है, वो बहुत सारी पॉलिसी है, मुझे 10 साल बाद इतने पैसे मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि मैं ईयरली 50,000 भर रहा हूँ, मुझे 20 साल के बाद 20 लाख रुपए मिलेंगे, मैं 10 ही लाख भरता हूँ तो मुझे डबल ट्रिपल अमाउंट मिल जाएंगी। तो मुझे पहले बताओ कि आप सब लोगों में से किन लोगों ने एंडोमेंट प्लान लिया है, पॉलिसी में एंडोमेंट प्लान लिया है। एंडोमेंट प्लान आप जानते हो कि एंडोमेंट प्लान यानी कि सिंपल है, अगर आपको एक साल के अंदर, वन ईयर के अंदर आपको भरना है 50,000 रुपये या कोई भी अमाउंट हो जो आपको सजेस्ट की होंगी, आपका एजेंट जो है ना उसने आपको सजेस्ट की होंगी 50,000, 20,000, कुछ भी अमाउंट हो, 50, 20, 60, 70 लाख रुपए जो भी होंगी ना, वो अमाउंट आपको एजेंट कन्विंस करता है भरने के लिए। उसके ऊपर आपको 20 साल के बाद मिलते हैं 25 लाख रुपए 20 लाख रुपए। ये 25-20 लाख रुपए आपको मिलते हैं, आप उसी में खुश हो जाते हो। मुझे बताओ, अगर आपके पास कोई एजेंट आ रहा है, वो खुद का बेनिफिट सोचेगा या आपका बेनिफिट सोचेगा? तो इनडायरेक्टली वो खुद का बेनिफिट सोच के आपको प्लान बताता है और वो अच्छे से कन्विंस कर पाता है। वो इतनी सी अमाउंट पे 20 लाख रुपए मिल रहे हैं आपको 20 साल के बाद, जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो सिर्फ 4 लाख रुपए, ये टोटल अमाउंट जो आपकी ईयरली कट होंगी 5-10 लाख रुपए जो कट होंगी ना, उस पर आपको 20 लाख रुपए मिल रहे हैं। और उसी में आप कन्विंस होकर उस एजेंट का टारगेट जो होगा, मंथली टारगेट मुझे 5-10 क्लाइंट करने, वो कंप्लीट कर देते हो। और इनडायरेक्टली वो एजेंट आपको ये एंडोमेंट प्लान में ना, आपको बता दूँ, 30-35% डायरेक्ट एजेंट में जाता है। जो वो बंदा होता है ना, आपको बोलता है इतने सारे पैसे मिलेंगे, आप कर खोल लो ये प्लान, बहुत अच्छा प्लान है, किसी के पास नहीं है। तो आपकी जो अमाउंट है ना 50,000 में से वो डायरेक्टली 30-35% वो खिसे में, अपने जेब में डालकर निकल जाता है। 30% यानी कि कितना पैसा हो गया, 5-10, 10-15 हज़ार वो खुद के पास ही लेके निकल जाता है। आपकी जेब काट ली किसी ने, 10-15 हज़ार वो यूं ही लेके गया। अगर आपके जेब में से कभी 100 रुपये भी गुम हो जाते हैं ना, आप दिन भर परेशान हो जाते हो, हाँ, और वो बंदा आपके सामने ही आपसे 10-15 हज़ार रुपये लेकर जा रहा है और वो आपको चूना लगा कर जा रहा है, हाँ। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी, ये इंडो प्लान कहते हैं इसे, ऐसा कोई भी प्लान नहीं लेना है आपको। इनडायरेक्टली आपको सीधा सीधा एक प्लान लेना है, टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या है? टर्म इंश्योरेंस कौन मरने वाला है क्या? ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की बात यही है कि आप बोलते हो ये टर्म इंश्योरेंस प्लान कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको ये 20 लाख रुपए भी मिले ना, 20 लाख रुपए, अगर आपको कुछ हो जाता है ना 20 लाख का, आपके फैमिली को है ना ईयरली, अगर हमने 10% भी पकड़ा 20 लाख के ऊपर, 10% ब्याज, उसके हिसाब से मंथली आपको कितना मिलेगा पता है क्या? 10-12 हज़ार, 10-12 हज़ार रुपये आपको मंथली मिलेगा। बस आपकी फैमिली उसके ऊपर कंफर्टेबल होंगी क्या उस टाइम पर? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप अभी के समय आप कमा रहे होंगे 30-40 हज़ार 50 हज़ार, और 10-12 हज़ार में अगर आपको कुछ हुआ तो उसमें आपके फैमिली का कोई गुजारा नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। और आप ये 20 लाख का बोल के खुश होते रहते हो, 20 लाख मिलने वाले, ये बहुत ही बकवास प्लान है। सीधा सीधा आप जाइए टर्म इंश्योरेंस प्लान के ऊपर। टर्म इंश्योरेंस प्लान में आपका ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये ईयरली EMI होगा। कोई भी प्लान ले लो, मैक्स टर्म इंश्योरेंस या फिर बजाज एलायंस, टाटा AIA, सबके प्लान अच्छे ही है, बस आपको टर्म प्लान लेना है। इसमें ये जो अमाउंट है ना 10,000, वो आप कुछ 30 सालों के लिए पे करोगे। लेकिन इसमें अगर आपको कुछ होता है तो आपको डायरेक्टली 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, 1 करोड़।
और इसको अगर आपने बैंक में भी सेव कर लिया, आपको कुछ होने के बाद अगर आपके फैमिली को ये अमाउंट मिलती है और उन्होंने सीधा सीधा बैंक में भी सेव कर लिया, तो उसके ऊपर उनको आराम से 50,000 प्लस मंथली बैच यानी कि कुछ भी सैलरी टाइप ही उनका इनकम हो जाएगा। उसमें कम से कम घर वाले खुश तो होंगे, अरे बच्चे ने कुछ तो करके गया, टर्म प्लान खोल के गया, उसके ऊपर ही हम जी पा रहे। और ये प्लान लेते हो आप इंडो प्लान, सबसे बकवास प्लान, और ये प्लान आप प्रेफर ही नहीं कर दे हो, कौन मरने वाला है, किस लिए, घर पे भी बता दे। अभी मैंने खुद ने टर्म प्लान खोला है तो मेरे घर वालों ने 2 महीने बस बात ही नहीं की थी कि आप मरने वाले हो और उसका हम पैसा कमाने वाले हैं क्या, बिल्कुल मत खोलो ऐसी। ये सब चीज़ें आपको एकदम टेक्निकली लेनी चाहिए, इसे आगे का थिंकिंग करना चाहिए और उससे आगे का बेनिफिट भी सोचना चाहिए। ठीक है, इससे हम बेनिफिट की सोच तो ना हो, लेकिन एटलीस्ट हमारे फैमिली के लिए बैकअप तो तैयार करना चाहिए। सिंपल सी बात है, आपको टर्म प्लान लेना है, टर्म प्लान लेना कोई भी ले लो, सिंपल है, बस फाइनली ले लो। अब आप बोलेंगे कि हमें 30 साल के बाद या हम मरे नहीं तो क्या मिलेगा, अरे छोड़ दो ये अमाउंट आपकी सेविंग या कुछ, ये तो चूना लगा रहा है आपको ईयरली, हाँ आपको डायरेक्टली 30-35% वो काट कर लेकर जा रहे हैं, और ये आपको बेनिफिट मिला तो भी ठीक है, आप नहीं करते हो, ठीक है जाने दो। ये मैं सब आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले तो आप अपना टर्म प्लान ले लो। हाँ अब मुझे बताओ आपका सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कभी भी पैसा कमा रहे हो, मैं समझ लो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने 5 साल में 10 लाख सेव कर लिए, 10 लाख सेव करने के बाद अगर मेरे ऊपर कोई भी ऐसी इंजुरी या एक्सीडेंट या कुछ भी हो जाए, या मुझे किसी वजह से हॉस्पिटलाइज होना पड़े, या कुछ भी हो जाए होना, तो उस केस में मुझे खर्चा कितना आने वाला है मुझे पता है क्या? मैं जो 5-10 साल में 10 लाख रुपए सेव किया होऊंगा ना, वो पूरा मेरा ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो। हाँ तो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैं बताना चाहूँगा कि हेल्थ इंश्योरेंस, बहुत सारे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग अपना अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मेरा कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस है, मैं उसके ऊपर डिपेंड हूँ, मैं वही करूँगा, वही उसी से मुझे ज़्यादा बेनिफिट है, मैं दूसरा क्यों ले लूँ। अगर आपको 10 साल कंपनी ने हेल्थ इंश्योरेंस देकर 10 साल के बाद आपको कंपनी ने निकाल दिया, तो उसके आगे का जो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान होता है ना कोई भी कंपनी, उससे डबल ईएमआई पे आपको ऑफर करती है। समझो आप आज आप 30 साल के हो, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस है ना प्लान दे रही है वो कंपनी 10,000 में। हाँ तो जब आप 40 के होंगे तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान आपका होगा 25,000 का। यानी कि ये जो डिफरेंस बढ़ रहा है ना, ये आपका ईयरली जो ईयर्स बढ़ते जाएंगे ना, नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ेंगे उतना ही नंबर ऑफ बीमारियां भी बढ़ेंगे आपको, तो उस केस में ये बढ़ता जाएगा। और अगर आप 30 में ही ये हेल्थ इंश्योरेंस खोल ले तो आपको 10,000 के हिसाब से कंटिन्यू बेनिफिट चलते रहेंगे, आपका ईएमआई हम हर साल के लिए 10,000 ही होगा, वो आप 40 के होंगे तो 25,000 नहीं होगा। लेकिन आप इनडायरेक्टली जब 40 या 50 के होंगे और आपको कंपनी ने निकाल दिया होगा, तो उस केस में आप इंश्योरेंस खोलने जाओगे तो आपको डायरेक्टली 30-40 हज़ार रुपये का ईएमआई बैठेगा, जो कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है, ये दो चीज़ें आपको समझ में आई, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, दो चीज़ों में आपका सबसे ज़्यादा पैसा जाने वाला है। बस ये आप छोड़कर आपको थोड़ी सी पैसे कमाने, बस जितना भी कमा रहे हो आप खर्च करके रहना। आपको क्या बोला है मैंने, 1,000 से 2,000 रुपये आपको सेव कर लेने हैं, 1,000 से 2,000 का भी आप करोड़ों रुपया कर सकते हैं। इन शॉर्ट आपको प्रॉपरली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बची हुई अमाउंट डायरेक्टली मार्केट में इन्वेस्ट कर देते, खुद को कुछ तो नॉलेज होता नहीं, लोगों की बातों में आकर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देते हो, आगे चल के वो अमाउंट भी जीरो हो जाती है, कर्जा भी ले लेते हो, आगे भी इन्वेस्ट कर देते हो, ना उसका प्रॉफिट होता है ना उसका रिटर्न होता है। तो भाई ऐसी बातें छोड़ दो, इनडायरेक्टली आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, 1,000-2,000 रुपये भी आता है ना तो आप सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट कर दो SIP में, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 1,000 रुपये का ले लो, 500 का ले लो, 2,000 का ले लो,
पर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपका फंड मैनेजर अच्छे से स्टडी करके आपकी जितनी भी अमाउंट है वो टोटल फंड मैनेजर अच्छे से सब लोगों से जमा करके उसका नॉलेज, उसका एक्सपीरियंस, उसका डेडिकेशन के बेस पर वो अच्छे से इन्वेस्ट करता है। प्रॉपरली इन्वेस्ट करने पर वो थोड़ी सी अमाउंट जो बेनिफिट मिलता है उसमें से 1-2% खुद को ले लेता है, बाकी सारी अमाउंट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। उसमें उसका कोई भी प्रॉफिट नहीं है या इंटेंशनली वो डुबा देगा। बहुत सारे लोग बोलते हो म्यूचुअल फंड टैग लाइन आता है ना, सब्जेक्ट टू मार्केट टू रिस्क, कोई भी रिस्क नहीं है, 100% आपको बेनिफिट ही होगा। जब म्यूचुअल फंड में अगर आपको कैसा होता है, SIP अगर आप करते हो तो मंथली आपका डिडक्शन होता है, तो उस केस में अगर SIP के केस में आपको NRV मिलता है मंथली, अगर वो NRV अच्छा हो तो 10 रुपये से भी मिल रहा है, तो 10 साल के बाद अगर वो कम भी होता है 8 से भी मिलता है, 8 रुपये से भी, तो आपके पास जो क्वांटिटी होंगी ना वो क्वांटिटी आपकी पूरे अमाउंट से मल्टीप्लाई करके आपको बहुत सारा बेनिफिट ही देने वाली, क्योंकि जो क्वांटिटी NRV की क्वांटिटी आप 10 से ले रहे हो, आगे जा के 4 से लो या 5 से लो, लेकिन वो फंड पूरा डूबेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वो फंड अच्छा ही परफॉर्म करेगा क्योंकि उनका ओपिनियन, जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, वो एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करते, बहुत सारे ऐसी मल्टीपल कंपनियाँ है, इतनी सारी कंपनियाँ है कि वो अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं जिससे पब्लिक का पैसा डूबे ना। और हम इतना ही सोचते हैं म्यूचुअल फंड में पैसा डूब जाएगा, कुछ भी होगा, मार्केट से ही कोरिलेटेड है, डूब जाएगा, छोड़ दो, बहुत सारा पैसा आपको मिलने ही वाला है, ऐसा इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप बस वो जूने पुराने लोगों की तरह आप बस पैसा खुद कमाते रहोगे, इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे और कमाते रहोगे। बस 3 चीज़ें आपको कर लेनी है, एक है टर्म प्लान, हेल्थ इंश्योरेंस प्लान और SIP। और अगर आपको सेफर साइड जाना है तो आपको FD वगैरह पर इंश्योरेंस प्लान में जाना चाहिए। तो सिंपल सी वीडियो थी, आपको समझ आई होंगी। मैं जानना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग ऐसे प्लान के लिए प्रपोज करते हो। अगर किसी को SIP भी खोलना है तो मेरा एक दोस्त है विशाल, उसका मैं कॉन्टैक्ट भी इसमें दे दूंगा। ये कोई भी इंडोर्समेंट या किसका भी प्रमोशन के लिए वीडियो नहीं बनाया है। बहुत सारे ऐसे फंड से, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन भी है कि जिससे आप ऑनलाइन SIP भी खोल सकते हो। ग्रो ऐप है, ICICI बैंक ऐप है, एक्सिस बैंक थ्रू भी आप डायरेक्टली SIP ओपन कर सकते हो, या NJ इज़ द वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकिंग फॉर SIP, बेस्ट ब्रोकर है, उसी में से मेरा एक दोस्त है विशाल, उसका नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपका दोस्त इमरान, मेरे साथ बने रहेंगे।